तेंदुलकड़ा तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण फैला है, जिसे हटाने की प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई। रविवार को राजस्व और सुअतला पुलिस के अमले ने बलहरा में करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई नापजोक कर शुरू की। राजस्व विभाग का कहना है कि बलहरा क्षेत्र में 60 से 70 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। विभाग ने रविवार को जो कार्रवाई की है उसमें अतिक्रमण करने पर राम कुमार राजपूत, सोरन सिंह, राम सहाय तिवारी, दिनेश कुमार और रामेश्वर टिनगुरिया को नोटिस दिए गए थे। विभाग को जमीन का सीमांकन करने के लिए आवेदन मिले, जिनके अनुसार कार्रवाई की जा रही। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर चना मसूर की जो फसल लगाई है उसे जब्त कर उसकी विधिवत नीलामी कराई जाएगी। राजस्व अमले ने जेसीबी और अन्य संसाधनों के जरिए जब कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। राजस्व विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की फसल को पंचायत के सुपुर्द किया है, जो फसल कटाई कराने के बाद उपज विभाग को देगी, जिसके बाद उसकी नीलामी होगी। कार्रवाई दौरान तहसीलदार रामाकांत चौकसे, पटवारी सचिन तिवारी, सुअतला थाना प्रभारी ज्योति दीक्षित सहित अन्य अमला मौजूद रहा। सर, कितनी भूमि यहाँ पर है जो सरकारी भूमि है? और पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा, नाप पूरा है। सर, किन किन को नोटिस लगाए थे? जो लोगों, उनका तो पक्का है, उनको आपत्ति थी, इसलिए हम उनको दोबारा नाप बता रहे हैं कि ये आपका अतिक्रमण है, सरकारी जमीन का पटवारी बता देगा। लगभग अभी ये 5 एकड़ भूमि है जो खसरा नंबर 129/1 और 2 जिसका रकबा 130 है, और एक आबादी की भूमि जिसका रकबा लगभग 841 है। तो इन भूमियों की शिकायत आई थी सीमांकन के लिए, तो इसका सीमांकन करके और शासन अपनी निगरानी। कितने लोगों को नोटिस लगाए? लगभग 6 लोगों को नोटिस था इसमें, 5 लोगों और 30-40 नाम और दिए गए हैं जो कि अतिक्रमण किए हैं बलहरा।